बिंग डिजिटल चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काइन मास्टर में ये जो एरर आता है एक्सपोर्ट के टाइम पे ये क्यों आता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपका मोबाइल का मॉडल आप नेट पे सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्प्ले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन लिखा हुआ है 720x1480, मतलब ये 720p का वीडियो इस डिस्प्ले के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जो कैमरा की बात करें वो अलग होता है, जो रिकॉर्डिंग का रिजोल्यूशन होता है जैसे कि 1080 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो अलग चीज़ है। और वीडियो के ऊपर जो काम करते हैं हम, डिस्प्ले के ऊपर रहता है, सपोर्ट करता है, तो ये अलग से रहता है जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 720, मतलब ये मोबाइल के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो आप पहले आपके मोबाइल के हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपका मोबाइल कौन सा सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए, अगर नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम तो आपको मोबाइल में पहले पता कर लीजिए कौन सा रिजोल्यूशन है, उसके बाद उसको कैसे सेटिंग करना है आइए देखिए। तो ये एक वीडियो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो काइन मास्टर खोल के एक वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है और एक फोटो डाला हुआ है, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4K का ऑप्शन आ रहा है, QHD 1440p का ऑप्शन आ रहा है, और 1080p की भी ऑप्शन आ रहा है, और 720 जो नॉर्मली आता है सभी ऑप्शन का आता है। लेकिन जो अगर आपका अभी रिसेंट का मोबाइल होगा तो ये सब सभी रिजोल्यूशन उसमें सपोर्ट करेगा, नहीं तो देखिए इस तरह का एरर आएगा, इनिशियल एरर जो बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे वही एरर आएगा। अगर मान लीजिए आपको जो मोबाइल अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है और रिजोल्यूशन डिस्प्ले का, तो वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में बनते रहिए, मैं आपको बताऊँगा सिंपल तरीका है। अगर आप एक काम कर सकते हैं, अगर वीडियो का रिजोल्यूशन पूरा कम कर देंगे तब आपका हो सकता है एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो और भी एक रास्ता है, लेकिन वीडियो का रिजोल्यूशन कम करने से ये प्रॉब्लम है कि आपका वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जितना का आप बनाए हुए थे उतना क्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि पता है रिजोल्यूशन कम होने से वीडियो का क्वालिटी, जो फोटो का साइज है वो कम हो जाता है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी के ऊपर ये असर पड़ता है। तो हमें नॉर्मली 720 या 1080 के तक वीडियो रखना चाहिए अगर यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो। फिल्म वगैरह है तो उसका दूसरा चीज़ है, उसके लिए अलग रखना पड़ता है। तो आप यहाँ से बैक जाके जो सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सेटिंग का जो सिंबल दिखा रहा है, वहाँ से जाके आप डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, मतलब डिवाइस आपका क्या क्या कर सकता है, उसका जो दिया हुआ है यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये 4K सपोर्ट कर सकता है और 3 लेयर 2160p का ऐड कर सकते हैं। पर ये जो है ये नॉर्मल डाटा है, ये चेक हुआ डाटा नहीं है। उसके जो ऊपर में यहाँ पे 3 बिंदु दिया है, 3 डॉट दिया है, उसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है रन एनालिसिस नाउ। ये जो एनालिसिस हो जाएगा यहाँ पे रन एनालिसिस में क्लिक करना है, ये क्या करेगा कि आपके डिवाइस और जो सॉफ्टवेयर उसके बीच में एक सिंक्रोनाइज करेगा और चेक करेगा कि आपका डिवाइस एक्चुअल में वो जो रिजोल्यूशन दिखा रहा था उसको सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अभी इसको रन एनालिसिस मारने के बाद ये कुछ तरह के ये करने से 2-3 मिनट लगता है ये एनालिसिस होने में। ये एनालिसिस हो जाने के बाद ये बता देगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना तक रिजोल्यूशन सपोर्ट कर सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये अभी फिलहाल हो गया। तो देखिए ये क्लियरली लिख दिया कि 720p जो है 720p HD, मतलब ये इसी तरह का वीडियो जो रिजोल्यूशन सपोर्ट कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो लिखा है लेयर नॉट सपोर्टेड, ये लेकिन एक्चुअली जो हाई लेयर के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये 720 के नीचे वाला अगर लेयर होगा जो वीडियो का रिजोल्यूशन होगा तो ये आप उसको लेयर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक जाके आप फिर से वही वीडियो के ऑप्शन में जाके देखिए, तो उसमें जो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जो रिजोल्यूशन लिख रहा था 4K 2160p जो 1440p, तो अभी देखिए अभी सिर्फ 540 दिखा रहा है, 360 दिखा रहा है, और किसी किसी में 720 भी दिखाता है। अगर आपका नया वर्सन मोबाइल होगा तो पूरा फुल दिखाएगा, अगर ये अगर पुराना मोबाइल थोड़ा होगा तो ये इतना ही दिखाएगा। आप इतने में ही एक्सपोर्ट कीजिए तो आपका जो वीडियो है आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।